नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुद्गल कोचिंग क्लास में। जैसा कि बेटा हम लोगों ने सामान्य ज्ञान जीके में 3 क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की ले रखी थी और आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अपने टॉपिक को पूरा करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना है, बस बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए और विश्वास रखिए हम उस कंटेंट के साथ पढ़ेंगे जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। या हम ये कहें हम लोग गागर में सागर भरने का काम करेंगे, थोड़े में इतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमारा एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो सके, हम आराम से उसे पास कर सकें। ठीक है, एसएससी जीडी यूपी पुलिस एमपीएसआई, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम है तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली 3 क्लासें आपकी छूट गई हैं, उन्हें जाइए प्लेलिस्ट से देखिए और आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग आगे आते हैं, शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान और संविधान के निर्माण की। हम सब जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेडिंग डाली थी संविधान का निर्माण, तो फिर से सब लोग हेडिंग डालोगे संविधान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसे क्या बोलेंगे बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को। सबसे पहली बात यह है, हम लोगों ने पिछली क्लास में संविधान सभा के निर्माण के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन ने किस तरह से संविधान सभा का निर्माण किया। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि जैसे ही ब्रिटेन में क्लीमेट एटली की सरकार बनी जो लेबर पार्टी के थे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उन्होंने 3 कैबिनेट मिशन यानी 3 कैबिनेट मंत्री भारत भेजे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टीफन क्रिप्स। और इन 3 कैबिनेट मंत्रियों ने भारत की संविधान सभा का निर्माण करवाया, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन 1946 के नाम से जाना गया। पिछली क्लास में हम लोग देख चुके थे, तो सीधा हेडिंग डाल लेते हैं संविधान सभा। तो हम लोग बेटा पढ़ रहे थे संविधान सभा के बारे में और भारत के निर्माण या भारत के संविधान सभा का निर्माण जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुआ और इसी कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर बनाई गई संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण। तो सबसे पहली बात यह है संविधान सभा में सर टोटल कितने व्यक्ति थे? तो हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं 389 व्यक्ति थे। संविधान सभा में टोटल 389 व्यक्ति हुआ करते थे, किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन के अनुसार। और लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा कि इन 389 लोगों में से किस टाइप से आए थे, तो हम लोग कहेंगे 3 टाइप से आए थे। ये 389 लोग किस टाइप से आए थे, तो हम लोग कहेंगे सर ये 389 लोग 3 टाइप से आए थे। कौन कौन से 3 टाइप थे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि कौन थे, ब्रिटिश भारत प्रांत के व्यक्ति, ब्रिटिश भारत प्रांत। और ब्रिटिश भारत प्रांत से कितने व्यक्ति आए थे बेटा? तो हम लोग कहेंगे 292 लोग, 292 लोग जो थे वो ब्रिटिश भारत प्रांत के थे। दूसरा जो फेज आया था उसमें हम लोगों ने चुना था चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, कमिश्नरी क्षेत्र। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने आए थे, तो हम लोग कहेंगे सर 4। और इसके बाद तीसरा जो फेज आया था वो किसका था बेटा? देसी रियासतों। और देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 93। हुआ कुछ यूं था, जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत आया हम लोगों ने कैबिनेट मिशन को घेर लिया और कैबिनेट मिशन से कहा कि भैया बताओ हमारा संविधान कब है बनेगा। तो कैबिनेट मिशन ने कहा टेंशन काई को, जब तक हमें तब तक टेंशन काई को, तुम्हारी संविधान सभा के निर्माण की जिम्मेदारी हमारी है और हम बहुत जल्दी आपकी संविधान सभा बनाएंगे, फिर आप लोगों को जब सही लगे आप अपना संविधान बनाना। हमने कहा ठीक है, अब जल्दी से बताओ संविधान सभा में कितने लोग होंगे, कौन कौन आएंगे, हमारा नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, हमारे पापा आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे हजारों सवाल लोगों के मन में थे। तो कैबिनेट मिशन ने बताया कि देखो आपके टोटल 389 लोग लेंगे, 389 सदस्यों को हमें लेना है। और उन्होंने क्लियर बताया कि हम 10 लाख में से
प्रति 10 लाख से एक व्यक्ति चुन रहे हैं, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान की जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ थी। तो इस तरह से कैलकुलेशन के अनुसार हमारे में 389 लोग हैं। हमने कि अब जे कैसे आएंगे, कौन कौन को नंबर लगेगा, तो उन्होंने बताया अगर आप ब्रिटिश भारत प्रांत और चीफ कमिश्नरी से हो, जहाँ से हम टोटल कितने व्यक्ति लेने वाले हैं, तो हम कहेंगे 296। टोटल कितने हो गए बेटा, तो 296 कैसे, 292 प्लस 4, और इनका क्या होगा, तो उन्होंने कहा सर निर्वाचन होगा। निर्वाचन भी कैसा, तो हम लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की कई चर्चाएं कर चुके हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सीधे जनता वोट ना देते हुए संविधान सभा को जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति चुनेंगे, उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहेंगे, जो प्रांतीय विधानसभाओं के व्यक्तियों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा अगर आप देसी रियासत से हैं तो आपकी प्रक्रिया होगी मनोनय, तो नॉमिनेट होंगे। तो हम ये पूछ लें, भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ, ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन, ऑप्शन नंबर बी मनोनय, सी ए और बी दोनों सही, डी इनमें से कोई नहीं। हम कहेंगे ए और बी दोनों सही। इसमें 296 लोगों को तो चुनाव करवाया और 93 लोगों को बड़ी बड़ी रियासतों ने अपनी तरफ से भेजा। तो हम सब जानते हैं रियासतों में एक रियासत हुआ करती थी हैदराबाद, लिखना चाहो तो लिख लेंगे, हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके किसी भी प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो इस तरह से भारत की संविधान सभा बनी, संविधान सभा का चुनाव हुआ, सारे लोगों को पत्र भेजे गए कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग होगी, इसमें सारे लोगों को आना है और भारत के संविधान का निर्माण करवाना। तो चलिए हम लोग कहते हैं संविधान का निर्माण और हेडिंग डाल लेते हैं बेटा, पहली मीटिंग होने जा रही है 9 दिसंबर 1946 और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। और संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन कब करवाया, हम लोग कहेंगे 9 दिसंबर 1946 में हुआ, और 1946 में वही सेम था, संविधान सभा के सारे लोगों को लेटर्स गए, पत्र गए, और सारे लोगों का आह्वान हुआ कि अब भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को है, आप सभी लोग संविधान सभा की बैठक में उपस्थित होकर अपने संविधान के निर्माण में अपना योगदान दें और एक नए राष्ट्र का उद्भव और एक नए राष्ट्र के निर्माण की आप क्या करिए, नींव डालिए। सारे लोगों में एक अजीबोगरीब उत्साह, सारे लोगों को जा रहा है, लग रहा है कि बस हम यूं गए, संविधान बनाकर यूं आए, संविधान बच्चों का खेल, ओवर कॉन्फिडेंस, घर पे कह दिया भैया खीर पूड़ी बना लो और बस यूं गए, संविधान लेके ही आएंगे, अब चाहे कछु हो जाए। धीरे धीरे हम लोग संविधान सभा की शुरुआत करवा देते हैं। अच्छा, इसी में लगे हाथों हम आपको बता दें टोटल चुनाव कितने लोगों का हुआ था, तो हम लोग कहेंगे सर टोटल चुनाव हुआ 296 का। कितने का हुआ था बेटा, 296 का। इन 296 में 208 व्यक्ति INC के थे, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। इसी में बेटा जो 73 व्यक्ति थे वो लीग के थे, लीग का मतलब है मुस्लिम लीग, और इसी में बेटा जो 15 व्यक्ति थे वो कैसे थे बेटा, अन्य। तो ये भी याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति किस पार्टी के थे, कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के कितने थे बेटा, 73, 15 अन्य थे, ठीक है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे महिलाओं की कितनी सीटें थी, क्या था, अभी हम संविधान के निर्माण की तरफ चलते हैं। तो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो इसमें टोटल व्यक्ति कितने आए, तो टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया। कितने आए बेटा, 211। अब 211 लगभग आधे लोग आए, लगभग कितने आए बेटा, आधे लोग। अब डिसाइड हुआ भैया क्या करें, संविधान का निर्माण करें। सारे लोगों ने कहा कि अगर संविधान का निर्माण किया तो जो बचे हुए लोग हैं वो बाद में आएंगे और बाद में कहेंगे देखो हम तो हत नहीं है, तो जाए तो हम मानते नहीं, तो ऐसा ना हुई दोबारा बनाए। सबन ने कि अगर एक वे ऐसा भाव तो फिर हर बार ही होगा, ठीक वैसे जैसे हम गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, कैप्टन नहीं आया हमने टॉस कर लिया, टॉस हार गए तो कैप्टन कहेगा भैया दोबारा होएगा, जीत गए तो कोई बात नहीं। तो सब ने डिसाइड किया कि हम आज संविधान में कुछ नहीं करेंगे। सब ने कहा कुछ नहीं करेंगे ये भी तो लिखना पड़ेगा कि भैया पहले दिन कछु नहीं करो, नहीं तो कल आने वाली पीढ़ी पूछेगी संविधान सभा की पहली बैठक में क्या हुआ। इसमें फ्रांस की तर्ज पे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था बेटा, तो याद रखेंगे सच्चदानंद नंद सिन्हा,
और सच्चदानंद सिन्हा क्या हुए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बनाए। सच्चदानंद सिन्हा को हम लोगों ने संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया और इनसे कह दिया, देखो भैया आज तो बनाए रहे, कल बाकी लोग मना करेंगे तो बुरो मत मानियो। तो संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष यानी पहले टेम्परेरी चीफ कौन बनाए गए, तो हम लोग कहेंगे सर सच्चदानंद सिन्हा बनाए गए। दो दिन बाद संविधान सभा की मीटिंग हुई और दो दिन बाद जब संविधान सभा की मीटिंग हुई तब तक ये कैबिनेट मिशन के द्वारा कह दिया गया, यदि मुस्लिम लीग संविधान सभा के निर्माण में आपके साथ नहीं आती है तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में संविधान लागू नहीं होगा और आप अपने संविधान का निर्माण करिए। तो संविधान सभा की अगली मीटिंग कब हुई, तो याद रखेंगे सर 11 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 को हम सब लोग संविधान सभा की नेक्स्ट मीटिंग में इकट्ठे हुए। और ये तो तय ही हो गया भैया, आप चाहे कछु हो जाए, दुनिया जालंग की बालक, संविधान बन के ही रहेगा। और संविधान के निर्माण के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए, इसी मीटिंग में डिसाइड किया गया इसे तो हम कहेंगे सर राजेंद्र प्रसाद। और इसी में क्या हुआ, तो हम लोग कहेंगे राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या किया, अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष ही नहीं बने, वो स्थाई अध्यक्ष बन गए। और इसके पीछे अगर कोई मतलब कारण हो सकता है तो उनमें से एक ये भी था कि इनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं थी, स्वस्थ थे, जबकि सच्चदानंद सिन्हा बहुत ज़्यादा उम्र के थे, लगभग 67 ईयर्स के थे। तो ऐसा माना गया, ऐसा ना हो हम संविधान बनाए के तैयार करें हो तब तक जय ही निकल जाए, लिखाई पढ़ाई जिन पे ही रहेगी। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु भी कहा जाता है। हम सब लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा देकर गए तब उसका जो कार्यवाहक अध्यक्ष था वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया। तो राजेंद्र प्रसाद के जीवन का जो यूटर्न था वो 1939 के जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था या त्रिपुरी अधिवेशन था उसी से था। तो राजेंद्र प्रसाद बन गए राजेंद्र प्रसाद और सीट पे बैठ गए। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए, एक ने कही तो सर जी वाला नियम बनाओ, दूसरे वाले ने सोचा कि ये वाला नियम बना तो इसका नाम हो जाएगा, इनने की जे तो कतई नहीं बनेगा, तीसरे ने की तो जे बनाए ले, चौथे ने की जे मरे मारे पे नहीं बनेगा। मतलब एक दूसरे में द्वेष भावना है कि जे हीरो ना बन जाए, कल जिनके ही हीरो बनवे पे का होएगो, जिनके ही हीरो बनवे पे कल जिनमें मंत्री प्रधानमंत्री सब बनेंगे, तो एक दूसरे का विरोध किया। 2.5 घंटे संविधान सभा में बहस हुई, 2.5 घंटे में नियम बने 0/0, एक सिंगल नियम नहीं बन पाया, सारे लोगों का दिमाग खराब। जब सारे लोगों का दिमाग खराब हुआ तब फिर उसके लिए क्या किया गया, बिन्ने की आज मीटिंग नहीं, अब हम अगले 2 दिन बाद मिलेंगे 13 दिसंबर को, तब देखेंगे। तो कुल मिलाकर 13 दिसंबर की अगली मीटिंग आई और आज तक भारत के संविधान में बना है 0 नियम, हमने कोई विशेष नियम नहीं बनाया, केवल अध्यक्ष स्थाई हमारे जरूर बन गए हैं राजेंद्र प्रसाद जी। और जैसे ही बेटा संविधान सभा की नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगले दिन संविधान सभा की मीटिंग हुई, संविधान सभा की मीटिंग में लगभग 1/2 घंटा वही हुआ जो पिछली वाली मीटिंग में था, मतलब एक ने कहा जे बना, दूसरे ने की कतई नहीं, तीसरे ने की तो जे, चौथे ने की मरे मारे पे नहीं। एंड में 13 दिसंबर वाली मीटिंग में J.L. नेहरू, जिनको हम सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, J.L. नेहरू जी खड़े हुए और J.L. नेहरू ने बड़े कड़े शब्दों में कहा, इस हिसाब से यानी इस तरह हमें ये कहते हुए शर्म आ रही है कि हम संविधान का निर्माण नहीं कर पाएंगे। सबर ने कि अच्छा तो खुद को होशियार समझ रहे हो, हमें बेवकूफ़ समझो, इतने लोग आए हैं। इनने कि अच्छा ये बताओ हम लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं, सारे लोग, जैसे मान लो आप लोग हो, हमने पूछा, हम ऐसे बोल दें बेटा ऐसे तो तुम पास नहीं होंगे, तो तुम कहोगे अरे सर तो ज्ञान मतलब हमें ही बता रहे हैं कि हम पढ़ेंगे पास हो नहीं होंगे। हमने कही अच्छा बेटा हाँ करोगे, तो तुम कहोगे सर पढ़ाई का एक लाइन करोगे, मान लो किसी ने कहा सर SSC GD मान लो, हमने कि SSC GD में कहाँ पढ़ाओगे, अब तुम चुप रह गए। हमने कहा सफल होने के चांस इसीलिए कम है कि हम लोगों का क्या है, उद्देश्य क्लियर नहीं है। हम लोगों ने कि नहीं है तो सर आप कर दे। फिर हम लोगों ने कि देखो अगर SSC GD पढ़ना है तो 20 नंबर का मैथ, 20 की रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 GK के, 20 हिंदी के, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हिंदी थोड़ी आसान है, पूरे में पूरे नंबर, रीजनिंग भी ठीक ठाक कर सकते हैं, मैथ को कंसेप्ट पे ध्यान दो, GK में स्टैटिक पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, हिस्ट्री लेंदी है। कुल मिलाकर हमने क्लियरिटी दी, अब तुम घर जाए कहोगे पापा सो हाँ अब हमारी नौकरी लग जाएगी, अब हम समझ गए पढ़ने का है,
हम संस्कृत पढ़े भी लगे जो पेपर में ही नहीं आती। तो कुल मिलाकर नेहरू जी ने यही पूछा, अच्छा नियम काहे के बनाओगे, मैंने नियम बनाएंगे संविधान और काहे के। तो नेहरू जी ने कहा हम लोगों के उद्देश्य रियल नहीं है, कुछ लोगों ने कहा आप कर दो। तब नेहरू जी ने क्या किया, तो यहीं पर उद्देश्य प्रस्ताव दिए गए। तो यहीं पर इन्होंने क्या किया बेटा, तो हम कहेंगे उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए। तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किए गए हैं, तो हम लोग कहेंगे या उद्देश्य प्रस्ताव दिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये उद्देश्य प्रस्ताव आज की लगभग क्या है बेटा, तो हम कहेंगे प्रस्ताव प्रीएम्बल, जो हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। कुछ बता देते हैं, जिसमें लिखा था हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन सब में राष्ट्र की गरिमा एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। कुल मिलाकर ये था कि हम नियम कैसे बनाएंगे। तो पहली बात उन्हें ये कहा देखो ये भूल जाओ ये नियम फलाने व्यक्ति या फलाने व्यक्ति ने बनाया है, क्योंकि हम संविधान सभा के लोग नहीं है, हम लोगों को भारत की जनता ने चुनाव में जिताकर भेजा है। तो संविधान ना तो हम 389 लोगों का है, ना ही जवाहरलाल नेहरू या किसी दूसरे का है, हम भारत के लोग। पहली बात संविधान में हम किसी का नाम नहीं लिखेंगे कि जे नियम इनको जे नियम इनको जे नियम, संविधान का नियम बनेगा हम भारत के लोग। सब लोग अन्य की ले हो तो हम ऐसे ही विरोध करे भी लगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम भारत के लोग क्या करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला नियम देश हमारा संपूर्ण प्रभुत्व होगा, खुद का मुखिया होगा, हमारे देश में हमारे नियम चलेंगे किसी दूसरे के नहीं चलेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक इन सब्जेक्ट पे बनाएंगे। सब लोगों की बोलती बंद हो गई, सब लोगों ने कही अब चूंकि अगर माने लेता है तो नेहरू जी हीरो ने, हाँ ठीक है ठीक है। कुल मिलाकर नेक्स्ट मीटिंग्स हुई और संविधान में नियम 0/सन्नाटा। तो यहाँ नोट डाल के लिख देते हैं नोट, हम कहेंगे अंततः 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य जो प्रस्ताव थे बेटा, उद्देश्य प्रस्ताव इन्हें सर्वसहमति से अपनाया। और इसी दिन हमारी संविधान सभा ने कहा था कि हाँ अब हम भारत को संविधान देंगे। ठीक है, तो मूल संविधान बनने की शुरुआत होती है 22 जनवरी 1947। सारे लोगों ने कहा कि जितने भी सदस्य हैं एक साथ काम करेंगे तो विवाद होगा, इसलिए हम लोग अब कमेटी में बट जाते समिति। तो इसी दिन क्या हुआ, कई समितियों का निर्माण हुआ, कई कमेटी बनाई गई, कई समिति बनी। और इन समिति का काम क्या था, अलग अलग देश में जाकर अच्छे अच्छे संविधान के टॉपिक्स के नियम ढूंढना, उन्हें भारत के संविधान में अपनाना। मूल समिति कितनी बनी बेटा, 8। तो कहा जाता है 8 तो बड़ी समिति बनी, 14 बड़ी बेटा कौन सी छोटी। तो ऐसे टोटल हम बात करें तो टोटल लगभग मूल समिति जो बनी है वो कितनी बन गई बेटा, 22। सारे लोगों ने संविधान का निर्माण किया। अंततः हम कह सकते हैं अंततः 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय, 2 साल 11 महीना 18 दिन के समय के बाद भारत का संविधान बनके तैयार हुआ। कब हुआ बेटा, तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949। और जैसे ही 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ, इस समय हमारी संविधान सभा में 284 व्यक्ति स्थित थे। तो कितने लोग उपस्थित थे, 284। इन 284 लोगों का हस्ताक्षर करवाए गए, 284 लोगों के क्या है बेटा, तो हम लोग कहेंगे हस्ताक्षर करवाए गए। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने कहा देखो भैया अब 2 साल 11 महीना 18 दिन हम पे तो नहीं रह जाएगा, संविधान लागू करते हो अब नहीं हम पे रह जाएगा। सब ने कहा अगर संविधान लागू किया तो एक प्रॉब्लम आएगी, क्या आएगी, तो उनने कहा प्रॉब्लम ये आएगी कि हम लोग भूल जाएंगे एक डेट जिसका नाम है 26 जनवरी। सारे लोगों ने कहा भैया भूल जानते हो, कहाँ दिक्कत है, तो मैं 26 जनवरी से कहा करने,
संविधान सभा ने कहा देखो हम लोग आजाद कब हुए, तो सबने कहा 15 अगस्त 1947। ठीक है, आने वाली पीढ़ी स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे कब मनाएगी, 15 अगस्त 1947। आज संविधान लागू हुआ तो कब बेटा गणतंत्र दिवस बनेगा, 26 नवंबर 1949, हर साल 26 जनवरी की। हाँ याद करो 26 जनवरी 1930 लाहौर में रावी नदी के किनारे गोलियां खाई थी और उसी दिन कसम खाई थी कि हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस है। तो यदि पहला स्वतंत्रता दिवस है तो उसे यादगार बनाना हम लोगों का दायित्व है। संविधान सभा के सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद ये वाली बात हम लोगों ने संविधान में आर्टिकल नंबर 394 में लिखी और 394 में ये लिखा कि 15 अनुच्छेद यानी हम लोग कहेंगे 15 आर्टिकल तो आज कब 26 नवंबर 1949 को लागू कर रहे हैं और बाकी संविधान स्वतः कब होगा तो हम कहेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। ठीक है, तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ, ये प्रस्तावना में आर्टिकल नंबर 394 में भी लिखा है। 394 के हिसाब से बेटा हम लोग कहेंगे संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया, आंशिक रूप से लागू किया और शेष संविधान कब लागू होगा 26 जनवरी 1950। तो टोटल 15 आर्टिकल लागू किए, लिखा 16 में गया मतलब 394 में गया, इस तरह गलती से या हम कहें टोटल कितने अनुच्छेद लागू हो गए तो हम लोग कहेंगे सर 16, ये कितने थे बेटा 15। जैसे नागरिकता को लेकर प्रॉब्लम थी पाकिस्तान को लेकर आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि, मन में एक सवाल जरूर आता है सर भारत का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनके तैयार हुआ तो सर हमारे संविधान में बना क्या था, तो याद रखेंगे एक प्रस्तावना, हमारे संविधान में बनाए गए 22 भाग, हमारे संविधान में बने 395 आर्टिकल और हमारे संविधान में बनी बेटा 8 अनुसूची। आज संशोधन कर करके क्योंकि हम संविधान में सुधार भी तो करते हैं तो प्रस्तावना तो बेटा एक ही है, भागों की संख्या हो गई है 25, आर्टिकल नंबर 465 प्लस और अनुसूची कितनी हो गई है 12। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल लेंगे भारत का संविधान बन के, अब कुछ पॉइंट लिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात नोट डाल के लिखोगे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि संविधान दिवस हम लोग कब से मना रहे हैं, 2015 से बी.आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती से शुरू किया। ठीक है, ठीक। दूसरा, संविधान की अंतिम मीटिंग कब हुई, तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 संविधान अंतिम रूप से मिली और इसी दिन हम लोगों ने राजेंद्र प्रसाद को, किसे बेटा राजेंद्र प्रसाद को, देश का पहला क्या बनाया था राष्ट्रपति और शपथ कब ली 26 जनवरी 1950 को। अभी हमने कहा था हमारी संविधान में एक प्रस्तावना है, 22 भाग की जगह कितने हो गए हैं बेटा 25, 395 आर्टिकल की जगह कितनी हो, आर्टिकल की जगह कितनी हो गई है 465 प्लस आर्टिकल और 8 अनुसूची की जगह कितनी हो गई है बेटा 12 अनुसूची। लेकिन ये सब हम लोग देखेंगे गणना के आधार पे, यानी हम लोग पढ़ेंगे भाग 23, 24, 25 तो कहीं नहीं मिलेगा, है क्या, पहले था भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे था बेटा, डॉट 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 कहाँ तक चले जाए 22। अब बेटा 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 4 के बाद 4 का ए आता है, फिर आता है 5, तो ऐसे बेटा 4A बनाया है, ऐसे ही बेटा हम लोगों ने 9A बनाया है और ऐसे ही बेटा 14 का ए बनाया है।
अब काउंट करें पहले की तरह, संख्या तो 22 सही है, काउंट करेंगे 1 2 3 4, जहां 5 आता था 5वें नंबर पे पहुंच गया 4 का ये, तो 22 की जगह कितनी हो गए बेटा 25। एक और मूल बात, संविधान में जब भी ए बी सी डी मिल जाए इसका